हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेथड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 15। तो ये हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ए की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, जब भी डिनोमिनेटर में या नीचे अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। जैसे ये a माइनस बी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम a प्लस बी मल्टीप्लाई और डिवाइड a प्लस बी। तो इसमें a हो गया रूट फाइव और b हो गया हमारा 3। तो क्या कहेगा, अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस रूट 3। अब हमने नीचे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे a प्लस बी, क्या बना है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, वो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई होता है ए प्लस बी, तो क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बना इसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ऊपर अभी ऐसे ही रहने दो, रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर कितना होता है, फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री। तो क्या बन गया, अगर अब इसको हम ऊपर सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, 2 इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री कितना बन गया, रूट 15 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तब ऊपर क्या बन गया हमारा 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2। अब अगर मैं ऊपर से क्या कॉमन ले लूं, 2, अगर मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले, क्या बचा, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2, तो ये कैंसिल। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 4 प्लस रूट 15, या इसको लिख दो 1 रूट 15। तो अब क्वेश्चन में अगर देखें a प्लस बी रूट 15, अगर हम इसे मैच करें a प्लस बी रूट 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 और b की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें a फाइंड करना था कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन की भुजाओं में अगर 50% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। लिखा हुआ एक घन की भुजा में अगर 50% की कमी होती है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये तब फॉर्मूला लगेगा जब बढ़ रहा हो, पर इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये वाला तब लगेगा जब कुछ बढ़ रहा हो और ये जब कम हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या 50% कम हो रहा, तो ये वाला लग जाएगा। इसमें x और y क्या होगा, 50%, 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 50 प्लस 50 100, 100 माइनस 55 का 25, 100 में से 25 गए 75%। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, 75%। क्वेश्चन नंबर 3, दो स्तंभों के बीच की दूरी 8 मीटर है, यदि एक स्तंभ 10 मीटर और दूसरा स्तंभ 16 मीटर हो तो शीशों के बीच की दूरी क्या होगी। एक स्तंभ ये मान लेते हैं, दूसरा स्तंभ ये, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। दो स्तंभों के बीच की दूरी 8 मीटर, यदि एक स्तंभ 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर इसको ले लें, और दूसरा कितना है 16 मीटर। अगर ये 8 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 8, क्योंकि दूरी तो सेम रहेगी ना। ये टोटल कितना है, यहां से लेके यहां तक 16 मीटर, और ये कितना पार्ट है हमारा 10 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा हमारा, 16 में से 10 गए 6, ये हो गया हमारा 6। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये निकालने के, शीशों के निकालने के, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी गई है। तो कैसे निकलेगी, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना बन गया,
अंडर रूट 100, रूट 100 किसका होता है 10 मीटर, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर। यही पूछा गया ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा गया और ये कितना आया 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात 3:4:2:1, तो छोटी कोण का माप क्या होगा। तो रेशियो दे रखी है हमें 3:4:2:1। आपको पता ही है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी कोण है एक, तो छोटी कोण कैसे निकलेगी, 1 × 360 / रेशियो कितनी है 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो इसको डिवाइड करा 10 से कितना बन गया, तो ये कितना हो गया 36 डिग्री, तो हमारा आंसर हो गया 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, एक संतरे को 16 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसमें 16 रुपए, जब 16 रुपए में बेचते हैं तो उसको क्या होता है हानि या क्या लॉस, कितने का 20% का। तब हमने क्या निकालनी है इसकी, कि कितने में खरीदा गया था, कॉस्ट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस × 100 / 100 माइनस लॉस या हानि, लॉस परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 100 16 × 100 / 100 - 20, तो कितना आ गया 16 100 / 80, इसे कैंसिल, 8 1 का 8 2 का, तो कितने में खरीदा गया था ये 20 रुपये में खरीदा था और वो 16 रुपये में बेच रहा था, तो उसको कितना हुआ 20% की हानि। अब पूछ रहे हैं कि कितने में बेचा जाए कि 20% का उसको लाभ हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 + लाभ, 100 + लाभ कितना हो गया 100 + 20% अपॉन 100, तो कितना हो गया 20 × 120/100, 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे, तो ये आ गया 24 रुपये में। अगर 24 रुपये में बेचेंगे तो 20% का क्या होगा उसको लाभ। दोस्तों अगर आपको वो उससे भी आप कर सकते हो ऑप्शन उठा के भी, जैसे ऑप्शन में आप करोगे, जैसे 20 रुपये दे रखा है, 20 रुपये का 20% करोगे तो 4 आ जाएगा, 20 में से 4 गए, 16 रुपये का हानि। और अगर 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो कितने का बेचोगे, 20 का 20% 4, तो 20 + 4 = 24 रुपये, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, x + 1/y 1 के बराबर दे रखा है और y + 1/z भी 1 के बराबर दे रखा है, तो पूछ रहे हैं z + 1/x की वैल्यू कितनी होगी। x + 1/y किसके दे रखा है 1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब 1/y में राइट हैंड साइड दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 - 1/y, और यहाँ सॉल्व करते हैं y + 1/z = 1, 1/z y में उधर रखे गया क्या बन गया 1 - y। अब अगर मैं z को रेसिप्रोकल करूंगा या उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा, जब ये उल्टा होगा तो वहां पे जाके भी उल्टा हो जाएगा, जैसे ये अगर इधर किया तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, ये 1/1 - y। अब हमें x की वैल्यू भी निकल गई मिल गई और z की वैल्यू भी मिल गई y के टर्म में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें पूछा गया था z + 1/x, z की वैल्यू कितनी है 1/1 - y प्लस x की वैल्यू कितनी है 1 - 1/y। यहाँ पे हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि ये पूछा गया x इज इक्वल टू y माइनस 1/y, तो 1/x कितना हो जाएगा उल्टा y/y - 1। ये समझ आया आपको, x की वैल्यू 1 - 1/y, पहले हमने एलसीएम ले लिया तो क्या बना y - 1/y और 1/x क्या कर दिया उल्टा कर दिया, अगर यहाँ पे x/1 था तो ये हो गया उल्टा, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी जब लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा होगा तो राइट हैंड साइड में भी होगा, तो 1/x की वैल्यू कितनी निकली y/y - 1। अब देखिए इसमें 1 - y और y - 1, इसमें क्या है माइनस वन का फर्क है, तो ये भी हम इसको सेम बना देंगे। सेम बनाने में कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी क्या बन गया 1 - y, 1 - y, एलसीएम 1, ऊपर क्या बचा 1 - y, ये भी 1 - y, ये भी 1 - y, तो ये हो गया कैंसल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। z + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये है हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई टू, ये ब्रैकेट में है, डिवाइड टू इंटू टू डिवाइड बाय टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फोर डिवाइड बाय टू तो इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में टू, ये रहा डिवाइड, टू इंटू टू डिवाइड बाय टू तो ये कैंसिल, या ब्रैकेट सॉल्व करके आया फोर डिवाइड में ये टू और टू कैंसिल, फोर डिवाइड बाय टू कितना हो गया, फोर डिवाइड बाय टू, टू वन का टू टू का, तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करनी थी और इसमें कुछ नहीं था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।